हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी सक्सेसफुल किचन। आज हम एक बहुत ही अच्छी सॉस आपको बनाना बता रहे हैं। ये देखिए, हमने एक आम ले लिया है, जो बादाम आम आता है, ये देखिए इस टाइप का पका हुआ है अच्छे से। बीट रूट के हम दो स्लाइस यूज करने वाले हैं। दो देसी टमाटर हमने बड़े साइज के लिए हैं, अगर छोटे हैं तो आप तीन ले सकते हैं। नमक लेंगे एक पिंच, हम दालचीनी पाउडर यूज करेंगे। काला नमक हम एक पिंच यूज करेंगे, थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हम विनेगर यूज करेंगे। तो ये बढ़िया सी सॉस आपको बनाना बताते हैं। देखिए, हमने ये सब चॉप कर लिया है और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने वन पिंच दालचीनी इसके ऊपर डाल दी है, पिसी हुई दालचीनी थी। हमने आम को काट लिया है, टमाटर को काट लिया है, बीट रूट के मैंने ये बस दो तीन पीस लिए हैं, यानी मैं आपको पूरी बीट रूट दिखाऊं अगर तो, ये इसमें से बस इतना सा भाग लिया है, देख सकते हैं ना। और चार ये मैंने किशमिश, जो आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताई, चार किशमिश है, आप स्किप भी कर सकते हैं। पिंच ऑफ काला नमक डालेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ व्हाइट नमक। और इतना इजी है ना ये, साथ में इसमें डाल देंगे आधा कप पानी, फ्लेम को तेज कर देंगे, एक बार मिक्स करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है और ये होममेड एक तरह से आपकी सॉस बन जाती है ना, मैंगो टोमेटो डिप बन जाता है। तो जब भी आप बहुत हेल्दी कुछ देना चाहें बच्चों को, तो ये बहुत बहुत अच्छा वाला ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना ढक के पकाएंगे जब तक टमाटर वगैरह पूरे सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। और ये देखिए उबलते हुए, इसको दो से चार मिनट ही हुई हैं और टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मैंगो भी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसको ना ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि आप देखिए बीटरूट भी सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। बीटरूट थोड़ा उतना नहीं हुई है, बट हो गई है, पक गई है। तो अब हम इसको ठंडा होने के बाद पीसेंगे। देखिए, हमने इस पल्प को ठंडा होने के बाद पीस लिया और ये कुछ इस तरह का हो गया है, आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर है। अब मैंने इसको सूप छानने वाली छन्नी से स्ट्रेन कर लूंगी। देखिए, हम इसको ऐसे ना पूरा स्ट्रेन कर लेंगे, इस तरह से पल्प निकल रहा है, तो यानी जरा भी कोई दाना नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, ये इतनी बढ़िया सॉस बनकर तैयार होती है ना, कि आपके बच्चे मजे से पराठे से, पूरी से, जिस भी चीज से खाएंगे, हेल्दी खाएंगे। और आप ये घर का बना हुआ डिप देंगे उनको। तो ये देखिए, इतने सारे पल्प में ना बस इतना सा ये निकला है, तो इसको हम रखेंगे अलग। और ये देखिए स्मूथ टेक्सचर, ये एकदम स्मूथ, आप देखिए ये तैयार हो गया है। तो अब हम गैस पे इसको करते हैं और इसको वापस रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये देखिए, केवल मैंने दो मिनट और पकाया है, यानी ऑलरेडी ये सॉस बहुत अच्छे से पकी हुई थी, गैस को मैंने बंद कर दिया। ये देखिए, आप अच्छे से मिक्सचर बन गया है। और आधा चम्मच ना हम इसमें विनेगर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और यकीन मानिए, ये इतना टेस्टी लगती है कि आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये घर में इतने अच्छे से बनाई हुई डिप है, और बहुत पसंद करेंगे। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग, जबरदस्त टेस्ट और हेल्दी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सॉस बनकर तैयार है, कितनी अच्छी बनी है। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।